हे गाइस, वेलकम बैक एंड आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि गर्मी कितनी बढ़ गई है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़े चलेगा, कोरोना के केसेस नहीं बढ़ने चाहिए, राइट? कम होने चाहिए। बट देन एक ही सोल्यूशन है, टू स्टे सेफ, दैट इज स्टे एट होम। यस, सो गर्मियों के दिन में मेरे साथ एक मेजर प्रॉब्लम होता है, भूख ज़रूर लगती है पर खाने का कुछ मन नहीं करता है। आई मीन सिंपल खाने का भी मन नहीं करता, चटपटा खाने का भी मन नहीं करता और चाइनीज़ खाने का भी मन नहीं करता। चाइनीज़ नहीं खाना चाहिए और कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। सिर्फ ऐसे पानी पीते रहो, ठंडा पानी या फिर शरबत या फिर जूस, ऐसे ही मन करता है खाली पीते रहने का, खाने का बिल्कुल नहीं मन करता है। तो यूजुअली समर सीज़न में बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता होगा कि भूख तो लगती है पर खाने का कुछ मन नहीं करता है। तो इस टाइम में मैं क्या करती हूँ, आई मेक समथिंग विच इज़ थोड़ा चटपटा, चटपटा इन सेंस खट्टा, जैसे अचार नहीं पर जैसे टमाटर के साथ कुछ ऐसे सब्जी बनाना जो खट्टा लगे और गले से नीचे उतर जाए, चावल भी गले से नीचे उतर जाए, इस तरीके का। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो यूजुअली समर सीज़न में मैं बनाती हूँ और बहुत सारे ओडिया फैमिलीज़ में भी बनाते होंगे, दैट इज़ बैंगन टमाटो वड़ी का बेसौरा। बेसौरा मीन्स मस्टर्ड पेस्ट, ओके? एंड ये बहुत चटपटा रहता है और इसके साथ दाल चावल आराम से गले से नीचे उतर जाता है। और स्पेशली ये रेसिपी तो पोखाड़ों के साथ सुपर्ब लगती है। तो अगर आप लोगों के पास वड़ी नहीं है, वड़ी इज़ उड़द दाल का फ्रिटर्स रहते हैं, अगर वो नहीं है तो आप वड़ी को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ टमाटो एंड बैंगन से ये सब्ज़ी बना सकते हैं। सिर्फ टमाटो से भी बना सकते हैं या फिर आलू बैंगन टमाटो से भी इस तरीके का सब्ज़ी बना के खा सकते हैं और आराम से आपका खाना जो है गले से नीचे उतर जाएगा, बिलीव मी। सो लेट्स नॉट वेस्ट much time, go to the kitchen, let's get started with baigara tomato body besara. सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे और मस्टर्ड ऑयल जैसे गर्म हो जाए तो सारे वड़ी को हम फ्राई कर लेंगे। वड़ी को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा बस ब्राउन हो जाए तो बस निकाल देना है। यहाँ पे देखिए वड़ी फ्राई हो चुका है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। अभी हम उसी तेल में थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और जो बैंगन हमने काट के रखे थे उसको भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बैंगन डालने के बाद उसको अच्छे से मिला लेंगे और उसे अच्छी तरीके से हम थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। यहाँ पे देखिए बैंगन फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो अभी हम मसाला पीस लेते हैं, उसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा प्याज चॉप्ड और एक चम्मच ऐसा राई और यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च ली है। आप चाहे तो ग्रीन चिलीज भी ले सकते हैं लेकिन सूखी लाल मिर्च से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे थोड़े से लहसुन और इसे हम एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मसाला को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। अभी हम बची हुई तेल में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, जीरा और राई।
और उसे ढक देंगे। और उसके बाद जैसे जीरा राई अच्छे से पक जाए हम इसमें डाल देंगे पीसी हुई मसाला और इसे तुरंत हम ढक देंगे ताकि उसका खुशबू प्रिजर्व रहे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, इसे हल्का सा मिला लीजिए। और बची हुई मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी कढ़ाई में डाल दीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और उसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए गाइस मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है और बढ़िया सा कलर भी आ गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटोज। टमाटोज डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। और इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए टमाटोज और मसाले बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अभी इसमें हम डाल देंगे वड़ी जिसको मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है इसे। और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे फ्राइड बैंगन। फ्राइड बैंगन डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इसको नहीं मिलाना है, हल्का हल्का मिला लीजिए इसे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आधा कप जैसा पानी और हल्के से इसे मिला लेंगे और इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो यहाँ देखिए टोमेटो बैंगन और वड़ी का बेसरो इज रेडी टू सर्व। सो आई होप गाइस आज का ये रेसिपी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप श्योरली ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस। और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपीज। एंड टिल देन टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ and stay tuned. Bye-bye for now.